इंटरनेशनल फुटबॉल द ग्रेट डच टीम, ब्राजील की टीम, बड़ी बड़ी टीम ऑब्वियसली, बट अगर मैं रीसेंट हिस्ट्री को देखूं 2008 से लेके 2012 की जो ब्रैकेट है, इसमें जो स्पेनिश टीम थी कतल थी यार, कतल थी। और क्रेडिट क्या जाता है ऑटोमेटिकली भाई, पेप गुआर्डियोला बारसा में आया, बारसा के इनिएस्ता निकले, जावी निकले, बुस्केट्स निकले, पेड्रो निकले, विया निकले, टिकी टाका मा खिचू। स्पेन ने फायदा उठाया, यानी कि विचेंते दिल बोस्की ने फायदा उठाया, उन ईगोस को मैनेज किया बारसा और मैड्रिड को, सक्सेसफुल। हाँ सही है, बिल्कुल सही, ऑब्वियस बिल्कुल गलत नहीं है, बट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है 2008 से लेके 2012 तक का सक्सेस, लौड़ा भी नहीं। आज उसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि इस पीरियड से पहले स्पेन कुछ अलग नाम से जानी जाती थी, क्योंकि अभी तो स्पेन ला रोहा लॉस टोरोस के नाम से जानी जाती है, बट पहले नाम था द अंडर अचीवर्स। सही में अंडर अचीवर था, टॉपर नहीं थे, पहले फेलियर थे, पहले हकते थे, स्पेन हकती थी, स्पेन काफी टाइम से हकती आ रही है। 1920 में शुरुआत हुई स्पेनिश टीम की ओलंपिक्स के लिए, सिल्वर आया पहली बार, ठीक है बढ़िया, फ्यूचर तगड़ा जा रहा, ठीक है बढ़िया, बट द ओनली ट्रॉफी दे वन बिफोर 2008 जिसमें यूरो जीते थे वॉज 1964 यूरोस। उससे पहले वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से कभी आगे नहीं गए, बाकी चूत क्वार्टर फाइनल से कभी स्पेन आगे नहीं गई। एंड 90s में जोहान क्रॉफ भी आ चुका था, तो इन्फ्लुएंस स्पेन में बढ़ रही थी ऑब्वियसली। स्पेनिश टीम्स हैव ऑलवेज बीन ग्रेट, नो प्रॉब्लम, बट नेशनल टीम नहीं, बकचोदी हो रही थी यार, बकचोदी हो रही थी, डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजेंड्स, बकचोदी हो रही थी। बट इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे कि 1994 वर्ल्ड कप था, क्वार्टर फाइनल ये कोई गेम थी, स्पेन वर्सेस इटली, तो शाती ताशोती जो भी नाम है उस डिफेंडर का जो भी है, उसने लुइस एनरिके के एल्बो मार दी, नाक में से खून बह रहा है, फट गया पेनल्टी बॉक्स के अंदर, बट रेफरी ने देखा नहीं, पेनल्टी नहीं दी, अदरवाइज स्पेन कुड हैव वन मे बी। एंड 2002 वर्ल्ड कप में भी व्हेन स्पेन फेस्ड साउथ कोरिया एंड दो गोल्स डिसअलाउड स्पेन के क्वार्टर फाइनल में, दो गोल्स डिसअलाउड, स्पेन वर द बेटर साइड ऑब्वियसली, दो गोल्स डिसअलाउड, दूसरा गोल वॉज बॉल लाइन के बाहर चली गई, बट बाहर थी भी, अगर वीआर होता तो नहीं होता, क्या पता स्पेन आगे जाती, क्या पता, क्या पता स्पेन ब्राजील को टक्कर देती, क्या पता, पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भी बड़े बड़े प्लेयर थे, राहुल, हियरो, खुआकिन, कतल प्लेयर्स थे, ठीक है, माँ की चुत मेरे एक्सेंट की। ननदलेस स्पेन कुड नॉट मूव फॉरवर्ड, स्पेन अंडर अचीवर्स थी। तो जो 2008 से लेके 2012 की सक्सेस की विंडो है, उसके बाद भी स्पेन हग रही, ठीक है, बट ये जो विंडो है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल टीम्स एवर, ये टीम जो पुट टुगेदर हुई थी, इसका तोड़ नहीं था, जोआकिन, जो क्या नाम था उसका, शाहरुख खान हिमसेल्फ, जोआकिम लो, 2010 के सेमीफाइनल जब स्पेन ने जर्मनी को हराया 1-0 पुयोल का हेडर, जोआकिम लो ने अपना जावी के पास गया और बोला कि भाई कांग्रेचुलेशंस, यू आर द बेस्ट टीम आई हैव एवर फेस्ड, बाकी चूत। और कोइंसिडेंस देख रहे हो, उस क्या उसके अगले साल, फिर उसी साल जो भी है, बार्सिलोना वन द चैंपियंस लीग, इसका मैं रिव्यू डाल चुका हूं, और उसमें सर एलेक्स फर्गसन सेड कि बार्सा इज द बेस्ट टीम आई हैव एवर फेस्ड, बाकी चूत। तो यहाँ पे हम गिव अवे नहीं कर सकते, टेक अवे नहीं कर सकते कि बार्सिलोना की का एवोल्यूशन पे स्पेनिश टीम पे बहुत इफेक्ट था ऑब्वियसली, बट सिर्फ वो नहीं था, मैं उसकी बात चोदने आया हूँ। 2008 से 2012, बट इस पूरे टाइम के लिए विचेंते दिल बोस्के नहीं था। 2008 में जो स्पेन यूरो जीती थी, एक दूसरा मैनेजर था, लुइस भड़वा अरागोनेस, यह नाम था उसका, सही में, उसी कुछ क्लिप्स देखो, कुछ क्लिप्स देखो उसकी। लुइस अरागोनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या थी, कन्विंस करना, प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लाना, मोटिवेट करना, उनको चैलेंज करना। देखो उम्र देखो इसकी, अभी बिखर जाएगा मुक्के में, 69 इस टाइम पे 69 गए, ठीक है, मतलब उस टाइम पे था, अब तो लेट हो चुका है, ठीक है, बट रेस को जो आर्सेनल में खेलता था उस टाइम पे, ठीक है, जो वो भी लेट हो चुका है, वो भी मर चुका है, उसको मोटिवेट करने के लिए पहली क्लिप में बोल रहा है कि हेनरी को जाके स्पेन में, इंग्लैंड में बोलियो, हेनरी को जो भी है, कि तू उससे बढ़िया है, उस ब्लैक शिट को, रेसिस्ट बोला था उसने, और इसकी वजह से उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, मे बी उसका यही नेगेटिव होगा, ठीक है, बट वो ओल्ड स्कूल का था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह चुका। एंड सेकंड में फर्नांडो हियरो, एक लेजेंड है, वो 30s में आ चुका है, और उसको चिल्ला के बोल रहा है वीएखो वीएखो मास्क, यानी कि बूढ़े हो, बूढ़े बूढ़े बूढ़े, उसको
प्लेयर्स को ट्रिगर करना और उनसे एक्स्ट्रा डिमांड करना, ये थे लुइस अरागोनेस के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। इसने स्पेनिश फुटबॉल की फितरत बदल दी। क्यों क्यों कोई चीज क्यों बदल सकता है? बेसिक क्वेश्चन, जनरल, कोई चीज बदलती क्यों है? जब तुम नॉर्म्स के अगेंस्ट कुछ करो, जब तुम प्रेशर के अगेंस्ट पंच करो। ये बकचोदी होती है। लुइस अरागोनेस ने वही किया। स्पेन वॉज कंफर्टेबल लेजेंड्स को बुलाना। एंड अभी अगर मैं देखूं तो बोल सकते हैं कि बारसा की बहुत डोमिनेंस है स्पेनिश नेशनल टीम में, या फिर 2008 से 12 में बोल सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैड्रिड की थी, लॉस ब्लांकोस की थी। काफी मैड्रिड के प्लेयर्स स्पेनिश टीम में आराम से खेलते थे, लेजेंड्स। दे वर सपोज टू बी द गैलेक्टिकोस ऑब्वियसली, है ना। फ्लोरेंटिनो पेरेज मार्केच, ठीक है। लुइस अरागोनेस ने बदल दिया, उसने बदल दिया, उसने राहुल को निकाल दिया। राहुल इज एल मातादोर, कतल स्ट्राइकर, काउंटर अटैकिंग का राजा, जानवर, एक जानवर, अग्रेसिव प्लेयर। उसको हटा दिया, राहुल को निकाल दिया, विया और टोरेस को प्रेफर किया। गोइंग अहेड ऑफ 2008 वर्ल्ड यूरोपियन चैंपियनशिप, दैट वाज अ ह्यूज स्टेप। 2006 वर्ल्ड कप में भी शायद राहुल नहीं था, जो याद नहीं मुझे, जो भी बकचोदी। एंड लुइस अरागोनेस गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर दैट, ऑब्वियसली। उसने एक डायनेस्टी को तोड़ दिया। ये किसको ला रहा है, विया को और टोरेस को, किसको ला रहे हो? That worked. उसने चेंज कर दिया। ऑब्वियसली टिकी टाका तुम बोलते हो ग्वार्डियोला लाया, ग्वार्डियोला लाया, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि 2008 में ग्वार्डियोला नहीं था शायद, 2009 में था, जो भी, ठीक है। सर उसकी बिगिनिंग थी ना ऑब्वियसली, तो इतना नहीं था। बट ऑब्वियसली बारसा उससे पहले भी पोजिशन फुटबॉल खेलती आ रही है, बट स्पेनिश नेशनल टीम भी उससे पहले पोजिशन फुटबॉल खेलती आ रही है। बट वो अलग बात, वो हॉरिजॉन्टल था, साइड वेज पासिंग, साइड वेज, इतना पोजिशनल प्ले नहीं था, इतना वो दिमाग वाला ट्राइंगल वो बकचोदी नहीं थी। तो ये लुइस अरागोनेस नहीं किया, इसने इन्वेंट नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा, बट लुइस अरागोनेस ने दो चीजों को मिलाया और टीम को कतल बनाया, ला फूरिया, द फ्यूरी और ला रोखा। क्योंकि स्पेन टिकी टाका के जमाने से पहले वॉज नोन टू बी ला रोख, क्या ला फूरिया, जो भी है, ठीक है। यानी कि स्पेन में तुमको पता है बुल फाइटिंग ऐसे बड़ी चलती है, यानी कि अग्रेसिवनेस। स्पेन यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स, इवन दो दे डिडंट वन एनीथिंग, बट स्टिल। बट ला रोखा प्रॉपर स्पेनिश रॉयल्टी, द रेड ऑब्वियसली, जो स्पेनिश टिकी टाका, उसको मिक्स करके और ला फूरिया को मिक्स करके एक ऐसी टीम बने जो डिफेंसिवली इतनी फार नहीं थी कह सकते हैं, बट उससे कैसे कैसे बच सकते हैं जब तुम बॉल गिव अवे ना करो, तो पोजीशन ओनस है पोजीशन रखने पे। एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली हेल्प्स जब एक नई जनरेशन आ रही हो, जैसे कि जावी, जैसे कि इनिएस्ता, जैसे कि सेन्ना। एक सेन्ना था, वो ब्राजीलियन ऑरिजिन का था, वो कतल था, काफी कतल था, वो मिडफील्ड में एक स्टील था वो। एंड ऑब्वियसली ऑफेंसिव प्लेयर्स लाइक विया, टोरेस, दे ऑलवेज ऑब्वियसली हेल्प्ड। स्पेनिश टीम एक ट्रांजिशन में आ रही थी, फाब्रिगास वाज इंपॉर्टेंट, काफी मिडफील्डर्स थे, कैसे काम करने का? बहुत क्रिटिसिज्म था कि कोई विंगर नहीं है, कोई स्ट्राइकर नहीं है दिस, क्योंकि उस टाइम पे फिजिकल स्ट्राइकर्स इनकी बहुत डिमांड थी, बट नहीं, तो कैसे स्पेनिश टीम सर्वाइव कैसे करेगी? दे डिफाइड द ऑड्स They didn't play the most beautiful football जो विचेंते कालदेरोन के अंदर खेली, विचेंते डेल बॉस्के मां का घोषणा। After 2006 वर्ल्ड कप, क्योंकि 2004 में लुइस अरागोनेस ने टेक ओवर किया था ऑब्वियसली, और उसने बोला था कि 2006 वर्ल्ड कप के लिए मैं अपनी टीम प्रिपेयर करूंगा और जीतेगी टीम, उसने बोला था, इतना कॉकी था वो, उसकी पर्सनैलिटी का एक और ट्रेट, बट नहीं जीत पाई। डिस्पाइट ऑफ प्लेइंग गुड दे वर एलिमिनेटेड ऑब्वियसली 2006 वर्ल्ड कप से, झूठ बोला वो, चलिए नहीं गया और वो नहीं गया। एंड स्पेनिश ने FA ने उसको ट्रस्ट किया कि तू आगे कंटिन्यू कर, उसने कंटिन्यू करा। एंड उसने अगेन डिसीजंस ली, अपने राहुल को बाहर निकालने की और स्ट्रिक्ट बनने की, एक ट्रांजिशन लाने की, जब तक जो स्पेनिश की नॉर्मैलिटी चलती आ रही थी उसको हटाने की, कुछ नया स्टार्ट करने की। एज अ रिजल्ट स्पेन 2008 यूरोज में अनबीटन गई, अनबीटन ग्रुप फर्स्ट करा ये, और जर्मनी को फाइनल में हराया, आराम से हराया था, टोरेस का गोल था सिर्फ ओनली। एंड देन उसके बाद जो टीम टेक ओवर करी विचेंते डेल बॉस्के ने, वो आभारी है लुइस अरागोनेस की, क्योंकि लुइस अरागोनेस ने ही इस ट्रांजिशन को लाया है, उसी ने ही इसको बदला है, उसने पंच अगेंस्ट द एयर किया है। और फिर विचेंते डेल बॉस्के ऑब्वियसली ही डिजर्व्स क्रेडिट, क्योंकि उस टाइम पे तुमको पता है मोरिनियो आ चुका था मैड्रिड में, और तो बारसा वर्सेस मैड्रिड हर कोई बहुत लड़ाई करता था, जो तुमको पता है, रामोस मैच पुयोल को मुक्का मारता था, जो भी बख्शू दिया तुमको पता होगा, उनको मैनेज करना, वो गुदा था विचेंते डेल बॉस्के के अंदर। विचेंते डेल बॉस्के बिफोर ज्वाइनिंग स्पेन वन एवरीथिंग, चैंपियंस लीग लो तुम, ला लीगा लो तुम, कोपा दल, सब कुछ जीत चुका वो, मां की चुप, वो भी दो तीन बार ऐसे कुछ, ठीक है। तो विचेंते डेल बॉस्के एक चैंपियन है, वो आ चुका है, वो ठीक है,
उसने जिस हिसाब से उन ईगोस को मैनेज किया, एंड देन जो एवोल्यूशन था पेप गुआर्डियोला की बार्सिलोना का, उसको पिच पे कैसे उतारा, एंड देन ऑब्वियसली जावी, बुस्केट्स, इनिएस्ता, दीज वर द पायनियर्स. 2010 वर्ल्ड कप कंफर्टेबली दे वन, दे कंसीडेड द लीस्ट गोल्स, एंड फिर स्लोली स्लोली स्पेन अपनी खुद की आइडेंटिटी लाने लग गई. स्पेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियर टीम्स, एवरीबडी यूज टू प्रेज देम क्योंकि ब्यूटीफुल फुटबॉल था, ब्यूटीफुल कतई ब्यूटीफुल बोनी. तो 2012 यूरोज में, 2008 के यूरो जीते, 2010 वर्ल्ड कप जीता, 2012 में यूरोज को रिटेन किया. 2012 की यूरोज का लाइनअप एक दिखाऊं, ये देखो, तीन मिडफील्डर ऊपर, तीन मिडफील्डर नीचे, ये क्या बकचोदी, ये क्या लाइनअप है, कौन विंगर है, कौन स्ट्राइकर है, कोई भी नहीं. दिस वॉज स्पेन, फैब्रिगास, फॉल्स नाइन, ये बकचोदी थी. और 2012 में विया नहीं था, 2012 यूरो में विया नहीं जा रहा था क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका था, और ये बहुत बड़ा गैप था जो विचेंते डेल बॉस्के ने अग्री किया कि इसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, बट स्पेन ने किया. फैब्रिगास, वो फॉल्स नाइन, जाबी अलोंसो बॉक्स में अराइव कर रहा है, जाबी अलोंसो का वो हेडर अगेंस्ट फ्रांस क्वार्टर फाइनल में जो भी है बकचोदी, यूरो 2012 में, एंड दे रिटेन द यूरो बीटिंग इटली 4-0 इन द फाइनल, इटली. तो मैंने काफी हिस्ट्री की बकचोदी मर ली, और कैसे मैंने बताया कि लुइस अरागोनिस कितना इंपॉर्टेंट था इस पास को, इस बैटन को पास आउट करने के लिए विचेंते डेल बॉस्के को, जो उसने अच्छी तरह बखूबी मेंटेन किया. बट ये वीडियो का पहला पार्ट है, ये वीडियो का पहला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा, और उसमें मैं स्पेन वर्सेस इटली 2012 यूरो 4-0 का एनालिसिस करूंगा, और ऑब्वियसली वो मैं करूंगा, ठीक है. बट उससे पहले मैं चाहता हूं तुम ये गेम देखो, वैसे 2012 की तुम शायद देख चुके हो, क्या पता, मैंने तो देखी नहीं थी. देखो मैंने ये 2008 से 2012 का पीरियड नहीं लिफ्ट किया, मैंने नहीं लिफ्ट किया. तो अगर तुमने लिफ्ट किया तो अपनी ओपिनियन बताओ, क्या क्या खास देखा तुमने इस टीम के बारे में. ऑब्वियसली 2012 की अगर तुम गेम देख सकते हो देख रहे, क्योंकि कल मैं एनालिसिस डालूंगा, कल टैक्टिकली इस टीम के बारे में पढ़ेंगे बढ़ेंगे. बाकी अब तक तो लुइस अरागोनिस के टट्टे चाटता हूँ क्योंकि वो बोशरी, वो बढ़वा था.